हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पेज पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सभी हिंदी मीडियम वाले सभी विद्यार्थियों को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कुलाम के नियम का। आज की पूरी टॉपिक, आज की पूरी क्लास में केवल चर्चा कुलाम के नियम पे रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी प्यारे बच्चों से एक ही निवेदन है कि अगर आप वो चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों बिना आपके टाइम को गवाए। अब हम बात करेंगे कुलाम का नियम। जैसा कि टॉपिक पे आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, वहां पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर लिखा गया कुलाम बल या स्थिर वैद्युत बल। जो कुलाम के नियम को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, वहां पर हम उसे स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं, उसे कुलाम बल भी कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि कुलाम बल क्या होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कुलाम बल, वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल दोनों कहा जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब इन सभी टॉपिक को समझने के लिए हम लोग जो है तुलना वाले पर आधारित नियम को पढ़ेंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग एक ऐसे नियम की यहां पर चर्चा करने वाले हैं, उसी नियम के आधार पर कुलाम के नियम को समझेंगे। हमने कक्षा नौवीं की क्लास में या कक्षा ग्यारहवीं की क्लास में प्यारे बच्चों हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा होगा। अब उसी नियम को अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसी नियम को हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हैं। उसी के आधार पे एकदम आसान भाषा में हम लोग कुलाम्ब के नियम को समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम था, पहले हम उसी को समझते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सार्वत्रिक नियम क्या होता है। सबसे पहले सार्वत्रिक इन्हें क्यों कहा गया? सार्वत्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो नियम है वो आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर, पूरे किसी भी ग्रह पर इस नियम को हम लगा सकते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया ये सार्वत्रिक नियम है। आप चाहे पृथ्वी पे लगाना चाहो, चाहे आप मंगल पे लगाना चाहो, चाहे आप सूर्य पे लगाना चाहो, चाहे किसी पर भी, आप चाहे जहां हो प्यारे बच्चों, आप हर एक जगह इस नियम को लगा सकते हो, इस नियम को अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक का मतलब होता है सभी जगह। अब हम बात करें आखिर ये नियम क्या है। इस नियम की शुरुआत करने से पहले एक बात जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी द्रव्यमान वाली चीज हो, एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु हो, उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, तो कोई भी द्रव्यमान वाली एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये किसने बताया था प्यारे बच्चों? न्यूटन ने बताया था। और इन दोनों के बीच जो खींचने वाला बल लग रहा है वो बल किसने ज्ञात किया? न्यूटन ने ज्ञात किया। वो बल कैसे ज्ञात करना है वही हम लोग यहां पर नियम सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड हो, कोई भी पिंड हो, और मान लिए कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड जो कि जिनके बीच की दूरी कितनी थी प्यारे बच्चों, जिनके बीच की दूरी कितनी थी? आर थी। मान लेते हैं कि दो पिंड है जिनके बीच की दूरी आर है, और एक का परिमाण एमोन है, मतलब एक का द्रव्यमान एमोन है, और सेकंड वाले का द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों? एम टू है। अब आप ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये वाला पिंड इस पिंड को इधर की तरफ खींचेगा और ये वाला पिंड इसको इधर की तरफ खींचेगा। इनके बीच जो लगने वाला बल है प्यारे बच्चों वो अट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षण बल होगा। ये जो लगने वाला बल F है वो किस पे डिपेंड करता है? वो उन्होंने बताया कि ये जो लगने वाला जो बल F है इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी M1 into M2 इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिए? फर्स्ट नाम दे दिए। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही है? यहां पर बताया गया कि जो ये लगने वाला बल है, दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे हम बढ़ेंगे। हम और आप में रिलेशन ये है प्यारे बच्चों कि आप अच्छे से अच्छा परिमाण लाएंगे, आप अच्छा रिजल्ट लाओगे, तो ही हम लोग का क्या होगा? नाम होगा प्यारे बच्चों। तो अब सेकेंड बात है, उन्होंने क्या बताया कि जो इन दोनों पिंडों के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसके वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है,
यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वन अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिए, सेकंड नाम दे दिए। ये बताया उन्होंने, बोला कि भाई दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं, अगर इन दोनों को मिला दें तो समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, समीकरण एक और दो से हो जाएगा तो यह प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, एम वन एम टू, एम वन एम टू अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक लगता है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता था, एम वन एम टू अपान कितना हो गया, आर स्क्वायर। इतनी बातें न्यूटन ने बताया था अपने सार्वत्रिक नियम में, जहां जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10^-11। ये बातें उन्होंने बताई थी और ये चीजें आपने प्यारे बच्चों क्लास 11 की या क्लास 9 में आपने जरूर ये चीजें स्टडी करके रखा होगा या ये सारी चीजें आपने पढ़ के रखा होगा प्यारे बच्चों। अब हम इसी बेस पे इसी नियम को कॉपी करते हुए कुलाम ने अपना नियम दिया था। कुलाम ने कहा कि आपके यहां ब्रह्म कोई भी दो पिंड होता है, परंतु हमारे यहां पिंड नहीं होगा, हमारे यहां आवेश होगा, हमारे यहां कौन होगा, आवेश होगा। तो प्यारे बच्चों कुलाम के नियम में उन्होंने क्या कहा कि कोई दो बिंदु आवेश हो गए, कोई भी दो बिंदु आवेश हो गए, एक बिंदु आवेश क्या हो गया, Q1 हो गया, और दूसरा वाला बिंदु आवेश क्या हो गया, Q2 हो गया। ये कोई दो बिंदु आवेश हो गए Q1 और Q2, और जो बीच की इनकी डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, R हो गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई दो पिंड हो, यदि कोई दो आवेश हो गए और दोनों आवेश क्या होने चाहिए, बिंदु रूपी होने चाहिए। बिंदु रूपी का मतलब होता है प्यारे बच्चों आवेश के परिमाण की तुलना में बीच की दूरी कम होगी, सॉरी बीच की दूरी अधिक होगी, तो वो आवेश क्या कहलाते हैं, बिंदु आवेश कहलाते हैं। अगर आपको बिंदु आवेश की परिभाषा लिखना है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं बिंदु आवेश क्या होता है। प्यारे बच्चों हमने यहां लिख दिया कि आवेश के परिमाण की तुलना में अगर दूरी अधिक होता है तो आवेश कौन सा आवेश कहलाता है, बिंदु आवेश कहलाता है। क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हुई? अब हम आते हैं यहां पर, हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कोई दो बिंदु आवेश है, वो बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2 है। अब इनके बीच जो बल लगेगा वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था प्यारे बच्चों कि प्लस प्लस जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो प्लस माइनस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर ये प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तब तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, परंतु अगर एक प्लस है और एक माइनस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों भी हो सकता है। अब सुनिएगा यहां पर कहानी क्या होती है, कुलाम ने क्या बताया, कुलाम ने बताया कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल एफ होता है इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुपमानुपाती होता है। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुपमानुपाती होता है, अर्थात एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 × Q2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, फर्स्ट हो गया। सेकेंड उन्होंने बताया कि जो बीच की डिस्टेंस है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एफ प्रोपोर्शनल क्या हो गया प्यारे बच्चों, यह प्रोपोर्शनल हो गया वन अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि उन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों समीकरण को इसके जैसा मिला दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, जो ये होंगे वो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं जिसे हम के से दिखा रहे हैं, तो के Q1 × Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये जो के होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपातीय नियतांक कहते हैं।
क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? यही है आपके कुलाम का नियम। कुलाम का नियम अगर आपको हिंदी रूप में लिखना है प्यारे बच्चों, तो हम उसको बोल दे रहे हैं, आराम आराम से बोल दे रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कुलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या आपको इतनी बातें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? ये रहा आपके कुलाम का नियम। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे इन टॉपिक पे, इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आगे इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर होती गई होंगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को दोस्तों के पास शेयर नहीं किया होगा तो एक बार यार दोस्तों जम के उन सभी दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करना जिनके पास आप शेयर नहीं किए होंगे। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुलाम का नियम पढ़ा। कुलाम का नियम हमने क्या पढ़ा वो हम लोग उसके गणितीय व्यंजक को यहां लिखते हैं जरा सा, उसके बाद आगे उसके बारे में डिस्कशन होगा। हमने क्या पढ़ा? F बराबर हमने पढ़ा के क्यू वन इंटू क्यू टू अपान कितना पढ़ा प्यारे बच्चों? आर स्क्वायर। यही चीज हम लोगों ने कुलाम के नियम में पढ़ा। अब यहां पर बताया गया जो के है वो क्या है प्यारे बच्चों? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब उसी की हम डिस्कशन आगे करेंगे। आखिर के की वैल्यू क्या होती है, के का मान क्या होता है, के का मात्रक क्या होता है, के किस बात पे निर्भर करता है, इन सभी सारी चीजों की अब डिस्कशन करने वाले हैं आगे की क्लास में। बहुत ही जबरदस्त चीजें अब यहां बताने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। हर एक जितने बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों के लिए अब यहां से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये जो के होता है ये के क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अगर हम बात करें के की वैल्यू क्या होती है तो प्यारे बच्चों के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसका जो गणितीय मान होता है वो होता है 9×10^9। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ये जो के होता है ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसकी वैल्यू गणितीय वैल्यू 9×10^9 होता है। प्यारे बच्चों सभी लोगों से मैं एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई इसको आप जरूर लर्न कर लेना, इसको याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में ये आपको न्यूमेरिकल लगाते समय काफी जगह आने वाले हैं, तो इसे याद कर लेना, इस बात को ध्यान देना। चलो के की वैल्यू हो गई। अब मन में क्वेश्चन उठा, सर के का मात्रक क्या होता है वो आप बता दीजिए, के की बीमा क्या होगी वो बता दीजिए, ये जो के की वैल्यू आई ये कैसे आया ये भी पता चलना चाहिए। सारी चीजें जानेंगे, केवल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो प्यारे बच्चों। अब जो ये एफ साइलेंट नॉट है ये क्या है? तो ये इसको हम कहते हैं एफ साइलेंट नॉट। क्या कहते हैं? एफ साइलेंट नॉट इसे पढ़ते हैं। अब आपको मैंने लिख दिया तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो, एफ साइलेंट नॉट होता है। प्रश्न उठा कि ये है क्या? प्यारे बच्चों ये जो है विद्युतशीलता होती है, ये क्या होती है? विद्युतशीलता। तो लिख सकते हैं जहां एफ साइलेंट नॉट क्या होता है प्यारे बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता होता है। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब प्रश्न ये उठ गया कि सर विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन यहां से उठ गया कि लो विद्युतशीलता क्या होता है, मन में प्रश्न उठा कि विद्युतशीलता क्या है। चलिए गाइस विद्युतशीलता की बात करते हैं कि आखिर विद्युतशीलता क्या है। अगर हम बात करें तो विद्युतशीलता पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है। विद्युतशीलता पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है। अब ये गुण किस प्रकार का होता है ये क्या बताता है जानते हो? कि जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर जो है ये पदार्थ हो गया, अब अगर इसमें विद्युतशीलता का गुण पाया जाएगा तो अगर हम इस पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेंगे, इस पदार्थ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो विद्युतशीलता यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र का विरोध कितना हो रहा है। मतलब प्यारे बच्चों किसी भी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर जो है विद्युत क्षेत्र के विरोध का माप बताने वाला गुण ही
क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। एक बार लिख दे रहे हैं विद्युतशीलता की परिभाषा, तब आपकी जो और उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, विद्युतशीलता की परिभाषा मैं यहाँ लिख, तो गाइस ध्यान से देखिएगा, विद्युतशीलता की परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने क्या लिखा, किसी पदार्थ का वह गुण होता है, विद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद या विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद उस पदार्थ द्वारा विरोध की माप को बताता है। मतलब प्यारे बच्चों एकदम सरल लैंग्वेज में मैं समझूं तो ये आपका एक पदार्थ हो गया, जब हम इस पे विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों जैसे ही हम इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, विद्युत क्षेत्र रखेंगे, तो क्या होगा, ये जो पदार्थ है विद्युत क्षेत्र का कितना विरोध कर रही है वही क्या बताता है, विद्युतशीलता बताता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास दो प्रकार का पदार्थ हो गया, दो प्रकार की पदार्थें क्या हो गई, जैसे मैंने एज एग्जाम्पल क्या ले लिया प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक ही दो पदार्थ हो गए ऐसे प्रकार के, अब ये भी पदार्थ, अब इन दोनों पदार्थों में मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। अब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद ये कम विरोध कर रहा था विद्युत क्षेत्र का, ये ज्यादा विरोध कर रहा था, तो प्यारे बच्चों इसकी विद्युतशीलता कम हो गई, इसकी विद्युतशीलता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र का विरोध कितना कर रहा है वो विद्युतशीलता बताता है। ठीक, समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब प्यारे बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 8.85 × 10^-12। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी यूनिट हम फाइंड आउट कहां से करेंगे, हमारे पास जो होता है यहां से हम इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब एफ इक्वल टू, जहां के है वहां पर हम रखेंगे 1/4πε₀ Q1 Q2 अपान कितना आज क्या, ध्यान से देखिए। अब यहां पर जो ये 1/4π है इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं क्योंकि ये आपका एज एक नंबर होता है, इसको यूनिट नहीं देखना। तो मुझे क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट करने के लिए क्या करेंगे, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, बस यही कन्वर्ट करना। देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 इंटू क्या आ जाएगा, Q2। मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, ये सारे चीज बटे में हो जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। देखो इसकी यूनिट ये आवेश है, आवेश की यूनिट कुलम्ब, इसकी भी यूनिट कुलम्ब, एफ की यूनिट न्यूटन, और आर की यूनिट क्या होती है, दूरी है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दी प्यारे बच्चों तो कुलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये होता है किसकी यूनिट प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। ये किसकी यूनिट आ गई, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गई। ये किसकी यूनिट आई, कूलम्ब की यूनिट आई। अब हम बात कर रहे थे यहां पर के की यूनिट की, अगर मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, के की यूनिट, तो हम यहां से के की भी यूनिट निकाल सकते। कैसे निकाल सकते प्यारे बच्चों, यहां से देखो, अगर मुझे के की यूनिट चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान Q1 इंटू Q2। ठीक, एफ की यूनिट होती प्यारे बच्चों न्यूटन, आर की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। ठीक, और Q1 और Q2 की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा, कूलम, कूलम का हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो के की यूनिट आई है वो के की यूनिट आई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो ये भी याद रखना प्यारे बच्चों, ये के की यूनिट है और ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, हमने क्या क्या चीजें आपको बता दिए, के की वैल्यू बता दिए, के की वैल्यू इतनी होती है, वहां एप्सिलॉन नॉट आया था तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती, विद्युतशीलता की परिभाषा मैंने बता दिया, इसकी वैल्यू बता दिए प्यारे बच्चों, इनके यूनिट बता दिए। अब हम बात करेंगे जो ये के है वो किन बातों पर निर्भर करता है, के की निर्भरता के बारे में बात करेंगे। मतलब के किस पे डिपेंड करता है, के कब बढ़ जाएगा, के कब घट जाएगा, अब उन टॉपिक पे चर्चा करते। अब हमारी कौन सी टॉपिक हो जाएगी, के की निर्भरता। अर्थात प्यारे बच्चों इस हेडिंग से हमको ये जानकारी मिलने वाली है कि के किन बातों पे निर्भर करता है,
के की निर्भरता की बारे में चर्चा करेंगे। तो के की जो निर्भरता होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। एक के जो होता है इकाई पे निर्भर करता है। इकाई का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। के जो होता है वो मात्रक पर डिपेंड करता है। और साथ में सेकंड वाला जो बात हमने कहा, सेकंड वाली बात वो किस पे निर्भर करता है? सेकंड बात जो होता है वो माध्यम पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है प्यारे बच्चों? माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पे निर्भर करता है। और किस पे निर्भर करता है? और किस पे निर्भर करता है? यूनिट पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये के जो होता है वो यूनिट पे कैसे निर्भर करता है, फिर हम बात करेंगे के जो होता है वो माध्यम पे निर्भर कैसे करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं के जो होता है यूनिट पे। कहने का मतलब है कि अगर हम के की यूनिट बदल देते हैं तो के का मान भी बदल जाता है। यानी अगर हम इसको सरल सरल मोटे मोटे तौर पर समझें तो अगर के की यूनिट सीजीएस पद्धति में लेते हैं तो के की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर हम के की वैल्यू एसआई यूनिट में लेते हैं तो के की वैल्यू कुछ और आने वाली है। तो आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों के की वैल्यू एसआई यूनिट में क्या होगी और सीजीएस यूनिट में क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अब हमने अभी तक जो निकाला था के की यूनिट वो एस आई यूनिट थी। कितनी थी प्यारे बच्चों? एस आई यूनिट थी। ध्यान से देखना, जो के की वैल्यू थी, के की जो एस आई यूनिट थी, ध्यान से देखो, के का एस आई यूनिट, जो के का एस आई यूनिट था वो कितना था? न्यूटन क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और प्रति क्या था? कूलम्ब स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आई थी। एक के का एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। अब मुझे अगर मुझे यहां पर ये भी चीजें पता है कि एसआई यूनिट में जो के की वैल्यू होती है वो हमने फाइंड आउट किया है 9×10⁻⁹ होता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? अब अगर हम बात करें इसी के की सीजीएस यूनिट, के का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, के का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो एसआई यूनिट है, ये न्यूटन, ये मीटर, ये कूलम्ब। अब हम मुझे करना क्या है कि इन सभी क्वांटिटीज को सीजीएस में कन्वर्ट करना। तो प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं जो सीजीएस पद्धति में फोर्स होता है, फोर्स का सीजीएस पद्धति में जो यूनिट होती है वो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर में होता है। जो मीटर होगा वो सेंटीमीटर में नापेंगे। और जो ये कूलम्ब होता है वो स्टैट कूलम्ब में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? स्टैट कूलम्ब में नापा जाता है। अगर आप ये सारी चीजें भूल गए होंगे तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर थोड़ी देर के लिए नोट कर लेते हैं, जहां आपको कुछ चीजें जानकारी वाली बातें हैं यहां नोट करते। देखो क्या होता है कि सीजीएस में जो होता है मीटर होता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये जो मीटर होगा वो सीजीएस में 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। बात इतनी समझ रहे हो आप? उसके बाद जो न्यूटन होता है उस न्यूटन को हम डाइन में लिखते हैं। पहले बच्चों 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। क्या होता है? 10⁵ डाइन। ठीक, ये सीजीएस में हो गया था, न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 3×10⁹ स्टैट कूलम्ब। क्या होता है? 3×10⁹ स्टैट कूलम्ब। आइए अब हम के की यूनिट को कन्वर्ट करने वाले। ध्यान से देखना, ये जो न्यूटन है इसको मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो यहां न्यूटन के स्थान पे लिखेंगे 10⁵ डाइन। क्या लिखेंगे? 10⁵ डाइन लिखेंगे। ध्यान से देखिए, इंटू फिर मीटर है तो मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों 100 में। तो 100 सेंटीमीटर, यहां स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गए। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अब जो नीचे है वो आपको ध्यान देना है, कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है? कूलम्ब होता है प्यारे बच्चों 3×10⁻। तो 3×10⁹ स्टैट कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसको हम हल करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये 10⁵ हो जाएगा यहां पर, ध्यान से देखना है। और उसके बाद 100। अब आप देखिए 100 का मल्टीप्लाई जब करेंगे यहां पर तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, इस बात को ध्यान देना। एक चीज आप लोग भूल गए थे प्यारे बच्चों,
ये जो ये परिमाण था ना, के की वैल्यू इतनी थी, 9 × 10⁻⁹, ये था ना, इस बात को ध्यान देना। जैसे जो के की वैल्यू थी वो थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना, तो ये तो आपकी मैग्नीट्यूड यहां लिखा जाएगा, तो वही चीज भूल हो रही थी, तो ध्यान देना। अब यहां 10⁵ डाइन है और ये 100 सेंटीमीटर, इसका वर्क करेंगे तो 2 यानी मिला जुला के 10⁴ आ जाएगा, क्योंकि 2 0 यहां पर है प्यारे बच्चों, जब वर्क करेंगे 2 0 और बढ़ जाएगा, जिसको हम 10⁴ लिख रहे हैं। ये देखिए अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना है, 9 × 10⁹ डाइन सेमी स्क्वायर, कितना है, डाइन सेमी स्क्वायर, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद पूरे के बटे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो इसे हम 10⁹ × 10⁹ लिख सकते हैं, ये स्टैट कुलाम हो जाएगा, एस से स्टैट, सी से कुलाम, स्क्वायर आ गए। अब ध्यान से देखो, ये 10⁹ इससे कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 5 4 9 ये कट जाएंगे पूरे, क्या बचेगा आपके पास, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एक डाइन, क्या बचेगा, एक डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देख लो, के की जो है निर्भरता क्या थी, के इकाई पे डिपेंड कर रहा था, के जो है के की वैल्यू जब हम लोग एसआई यूनिट में निकाले थे, वहां 9 × 10⁹ आया था, उसके बाद हमने जब सीजीएस यूनिट में निकाला तो वहां 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया प्यारे बच्चों, इसीलिए तो मैंने बोला कि के जो है यूनिट पर भी डिपेंड करता है। अब आप ध्यान से देख लो, ये आप लर्न कर लो, याद कर लो, के की जो यूनिट है ना वो सीजीएस में ये आती है, सॉरी के में, के की जो वैल्यू होती है सीजीएस में 1 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलाम स्क्वायर होता है, और आपको तो ये तो लर्न होगा ही होगा। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, जो के की निर्भरता थी वो यूनिट पे डिपेंड करता है, आपने देख लिया है। अब हम बात करेंगे जो के होता है वो किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है, मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो माध्यम होता है हम उसको समझते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर एक दीवाल है, एक दीवाल है, वो दीवाल ऐसे बनी है, नॉर्मली आप समझ लो कि ये व्हाइट बोर्ड आपकी दीवाल है और ये आपका हाथ हो गया, इस हाथ से अगर हम इस दीवाल पे क्या लगाना चाहे, फोर्स लगाना चाहे, तो ये जो हाथ बीच में क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, बीच में क्या है बच्चों, एयर है, तो हाथ से इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर मैं यही जो है व्हाइट बोर्ड को किसी पानी में रख दूं, कहीं जल में रख दूं, तो अब आपसे कह दूं कि अब आप इस पे बल लगाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं हवा में जब था, जब बीच में हवा आ रहा था तब कहीं ज्यादा फोर्स लगा पा रहा था, और जब बीच में जल आ गया तो कहीं कम बल लगने लगा। तो मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, बीच में जो माध्यम आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा आपके द्वारा लगाया जाने वाला बल। उसी प्रकार यदि आवेश को हवा में रखोगे, हवा में जो है यानी निर्वात या हवा में रखोगे, तो वहां पर लगने वाला बल कुछ और होगा। अगर उन दोनों आवेशों को आप कहीं दूसरे माध्यम में लेके जाओगे तो वहां पर लगने वाला बल कुछ और होगा। अब हम उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर माध्यम में, जब किसी माध्यम में रख दे तो वहां पर बल क्या होगा। तो अब हम इन सब चीजों को इरेज कर, ये मूव करने वाले करें बच्चों, अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं डाउट रह जाता है तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, और अगर सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी तो और अच्छी बात नहीं है, मैं इतने अपने आप को बहुत बड़ा। अब हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों कि निर्वात में, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, लगने वाला जो बल था वो एफ बराबर हमने पढ़ा 1/4 πε₀ q1 q2 r² ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक, ये हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों। अब हमने क्या कहा कि अगर माध्यम में, ये तो एयर की बात थी ना, निर्वात की बात थी, उसके बाद मैंने कहा किसी माध्यम में, तो माध्यम अगर जब बात आती है माध्यम में, तो ध्यान से देखना, माध्यम में लगने वाला तो क्या होगा, माध्यम में जो लगने वाला बल होगा वो जहां एफ है वही माध्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ माध्यम इक्वल टू 1/4
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट माध्यम हो जाएगा, अर्थात जिस माध्यम में रखोगे उस माध्यम की विद्युतशीलता हम यहाँ पर रखेंगे। अगर निर्वात है तो यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता, अगर माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता आपके बुक में दी रहेगी, न्यूमेरिकल के दौरान दिया रहेगा। फिर बच्चों इनटू क्या होता है, Q1 Q2 अपान कितना होता है आर का स्क्वायर होता है। ये हो गए प्यारे बच्चों, क्या आपको इतनी बातें समझ आई? मतलब माध्यम में जब रखेंगे तो माध्यम का पर विद्युतशीलता रखेंगे, अगर वायु में रखेंगे तो वायु की विद्युतशीलता रखते हैं। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो पा रही होंगी प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो ये बात थी ये किसकी बात थी, एयर की बात थी। किसकी बात थी प्यारे बच्चों, एयर की। ये माध्यम की बात थी। हम क्या करते हैं इसी को इससे डिवाइड कर देते हैं, अर्थात प्यारे बच्चों हमने एफ एयर, कहने का मतलब है कि वायु में जो बल था और माध्यम में जो बल था उसी को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। तो चलिए एफ एयर में जो लगने वाला बल था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना था, आर स्क्वायर था पूरे के अपान। माध्यम का जो बात था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माध्यम Q1 Q2 अपान कितना था, आर स्क्वायर। देखिए ये पूरे के पूरे कैंसिल आउट होंगे, यहां से 4 पाई 4 पाई कैंसिल होगा, ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट माध्यम मिलेगा पूरे के बटे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट। और ये जो लगने वाला बल होगा एफ एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माध्यम हो जाएगा। अब आप अगर चाहो तो यहां से प्यारे बच्चों ये भी आप एक जानकारी ले सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एयर में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बलों का जो अनुपात होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि माध्यम में लगने वाला बल और माध्यम में जो लगने वाला बल होता है प्यारे बच्चों वो विद्युतशीलता पे निर्भर करती है। किसकी विद्युतशीलता पे, माध्यम की। अब नोट करने वाली पॉइंट ये है, अगर हम चाहें तो इनको एक नया नाम दे सकते हैं, ओनली इसको इसको हम नया नाम दे सकते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कह रहे हैं। जिसे क्या कह रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एप्सिलॉन आर, जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी का नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका नाम होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। अब किसी ने पूछा कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसका एक नया नाम और दे सकते हैं, इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों परावैद्युतांक। इसी को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान देना, इसी को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं और इसी को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। अगर आप चाहो तो परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा देना चाहो तो दे सकते हो, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। प्यारे बच्चों इन्हीं सब टॉपिकों के साथ ये जो कूलम्ब का नियम था वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पहले आप इसका एक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों, या आपने वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहा होगा तो भी नोट कर सकते हैं आप प्यारे बच्चों। खुद से अगर आप जो है खुद से अपना फेयर बनाते हैं कहीं पर, अगर जैसे आप लोग क्या करते हो कि आपको फेयर कहीं पीडीएफ मिल जाए, तो प्यारे बच्चों पीडीएफ मिलने के बाद आप कहते होंगे कि हम कल तैयारी करेंगे, परसों तैयारी कर लेंगे, परसों लिख लेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं। अगर आप सेल्फ से अगर नोट्स बनाते हो तो आपका जो है 80% 70% आपके दिमाग में जाके वो फिलअप हो जाता है कि हाँ मैंने ये लिखा है। तो प्यारे बच्चों जो आपका फेयर है वो आप खुद बनाइएगा, ठीक, कहीं पर पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़िएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी, आज की क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर जिन बच्चों का डाउट रह गया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक मजेदार और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद, बाय बाय।